बात अब यूपी के बहराइच करेंगे, जहां पर 10 महीने के मासूम की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसके माँ बाप के पास अस्पताल के स्टाफ को देने के लिए 20 रुपए नहीं थे। जी हाँ, 20 रुपए नहीं थे। हंगामा मचा तो आरोपी को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन क्या हिंदुस्तान में जिंदगी 20 रुपए से भी सस्ती है? अब आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएमओ ने पूरे मामले पर जांच बिठा दी। ये तो हमका पैसा यही सही ना है सर। अब तुमका पैसा कौड़ी जितना मांगे उतना मांगो ना पातर पातर है छोटे ढील के अमेर हुआ अब पातर पातर लंबे ढील के लौंडा है उन्हें दुटोर समझे पैसा से संजय से बहुत मांगता है। ये रोती बिलखती माँ भी इसी हिंदुस्तान की है, जहाँ महज 20 रुपयों की खातिर इसके कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए इससे छीन लिया गया। दिल दहलाने वाली घटना है उत्तर प्रदेश के बहराइच की। जिले के सरकारी अस्पताल में एक मां अपने बीमार बेटे को इंजेक्शन लगाने के लिए मन्नतें करती रही, लेकिन सिर्फ 20 रुपए ना होने की वजह से वार्ड में मौजूद स्टाफ ने मासूम को इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया। समय से इलाज नहीं मिला, लिहाजा माँ बाप का लाडला इस बेरहम दुनिया को छोड़ गया। लापरवाही से जो है ये है हुआ है सर, जो स्टाफ यहाँ का है बिल्कुल लापरवाह है। डॉक्टर को उसे हटा देना चाहिए, दूसरा स्टाफ आना चाहिए और उसकी सजा भी इन लोगों को मिलना चाहिए। भारत में शायद इंसान की जिंदगी की कीमत 20 रुपए से भी कम है, तभी तो 10 महीने का ये मासूम अपनी माँ की गोद में लेटा तो है लेकिन शरीर से जान निकल चुकी है। इंसानियत को तार तार करने वाली इस घटना के बाद हंगामा मचा। सरकारी अस्पताल के अफसरों ने आरोपी स्टाफ को हटा भी दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि वार्ड में इंजेक्शन सफाई कर्मचारी लगाते हैं, डॉक्टर तो दूर की कौड़ी है। कुछ दिन कर्मचारियों से शिकायत आई है, जो संविदा के थे उनको तुरंत हटा दिया और जो रेगुलर कर्मचारी है उनके इंक्वायरी मार्क कर दिया हूँ और जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भले ही मीडिया में मामला सामने आने के बाद दोषी को जेल भी हो जाए, लेकिन क्या इस गरीब माँ बाप की जीने का सहारा वापस आ सकता है? अस्पताल में सफाई कर्मचारी न जाने कितने दिनों से लाचार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, इसकी जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों को क्यों नहीं थी? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या फिर आज भी देश में जिंदगी की कीमत पैसों से ही तोली जाएगी और गरीब यूं ही दम तोड़ते रहेंगे? रामबरन चौधरी, बहराइच, आज तक।